Assalamu alaikum students. I say I'm going to next chapter start with them. And this chapter is about damped simple harmonic oscillations. इससे पहले हमने चैप्टर 1 में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को डिस्कस किया और इसमें हमने आइडियल सिचुएशन को डिस्कस किया था और वहां पे हमने जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेस थी उसको हमने नेगलेक्ट किया था, ठीक है। तो लेकिन यहां पे हम रेजिस्टिव फोर्सेस को भी कंसीडर करेंगे, रेजिस्टिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शनल फोर्सेस एटसेट्रा, इनको भी हम यहां पे स्पोज करेंगे और हम देखेंगे कि अगर ये फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट है तो इसकी वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल डिक्रीज। सो ड्यू टू दीस रेजिस्टिव फोर्सेस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इवेंचुअली द ऑसिलेटर विल स्टॉप। ओके, तो इस किस्म की ऑसिलेशन को हम कहेंगे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है and we have a mass M which is attached to a spring of stiffness S. इससे पहले हम जितने भी cases discuss करते आए हैं हमने उसमें कहा कि ये surface is frictionless and there is also no other resistive force present in this system. लेकिन यहाँ पे हम resistive forces को भी consider करेंगे, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्सेस या और दूसरी भी जितनी रेजिस्टिव फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है, कि और जो कि इस ऑसिलेशंस को अपोज करेंगे तो उनको हम यहाँ पे स्पोज करेंगे एंड वी विल से दैट दीज फोर्सेस आर नोन एज डैम्प्ड फोर्सेस, ठीक है। जितनी भी ये हमारी मोशन को जितनी भी ये फोर्सेज अपोज करेंगी उनको हमें कलेक्टिवली एक नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड फोर्सेस, ठीक है। और एज अ रिजल्ट हमारी जो ऑसिलेशंस हो रही हैं इनको हम कह रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अच्छा, हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक एफ फोर्स व्हिच इज अ डैम्प्ड फोर्स एंड व्हिच इज प्रेजेंट हियर एंड दैट्स इक्वल टू इट इज इक्वल टू माइनस आर एक्स डॉट, ठीक है। ये सिस्टम में ये फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, एंड that's a type of resistive force or frictional force or it could be any other resistive force. Okay, so is this a system jab oscillate karega to iska amplitude will decrease with the passage of time. Ye hum dekh sakte hain ki amplitude jo hai wo speed decrease nazar aa raha and eventually these oscillations will stop. Okay, so इसको डैम्प्ड ऑसिलेशंस को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वी नो दैट द हुक्स लॉ वी नो फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर इक्वल्स टू माइनस एस एक्स, ओके, आई कैन लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड वी आल्सो नो दैट वी कैन आल्सो राइट द फोर्स ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज मैस times acceleration and we can write also acceleration as x double dot, okay, so mx double dot, f equals mx double dot, so that's my equation number 2. But if resistive forces are present, if there are damped forces which are present in the system, so for this type of system we can write our equation. So for a damped oscillatory system, we can write our equation as mx double dot minus sx minus rx dot. ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसमें माइनस एस एक्स तो हम जानते हैं कि इट्स फ्रॉम द हुक्स लॉ, एम एक्स डबल डॉट इज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एक और एक्स्ट्रा फोर्स है जिसको हम डैम्प्ड फोर्स कह रहे हैं और विच इज इक्वल टू माइनस आर एक्स डॉट, ठीक है। सो हेयर आर इज ड्यू टू द डैम्पिंग इफेक्ट, जितनी भी डैम्पिंग इसमें हो रही है उसको हमने यहाँ पे आर से डिनोट किया यहाँ पे and damping force would be equal to rx dot, okay. So we can write here
the damping force would be equal to R x dot. Okay, so the dimensions of R would be here. R would be force per unit velocity. X dot, yes, again, jumping is velocity. Okay, so its dimension of R would be force per unit velocity. Okay, so I can also say that F equals R into V. Okay, I can also write a negative sign here because it is the opposing force. Okay, so I can rearrange this equation and I can reach the following result. Mx double dot plus Sx plus Rx dot equals 0. I can label it as equation number 3. So in this equation, M, S and R, these are constants, and it's a standard form of a second order differential equation. And I can write its solution, I can write the solution of this type of equation as x equals c e to the power alpha t. X equals c exponential power alpha t. Okay, I can label it as equation number 4. Okay, so iske solution mein hamare paas constants I have, we have a c here, we have alpha here. Okay, now we need to find the values of these constants. So we know that exponential term is always dimensionless. Okay, so exponential term is always dimensionless. Time ki dimensions hum jante hain ki seconds ki honge, units iske ya dimensions ki time ki hai. So agar ye exponential term dimensionless hai, so the dimensions of alpha would be 1 over time. Okay, so dimensions of alpha here would be 1 over time. Okay, so it's like the dimensions of the frequency here. Okay, and the dimensions of c would be same as the dimensions of x. जैसा कि हम जानते हैं कि ये equation है, तो जो dimensions left side पे होगी वही dimensions right side पे होगी. Exponential term को हमने कहा कि it is dimensionless. Okay, तो इस तरह से c और x की dimensions जो होंगी वो same होंगी. So x has a dimensions of length, so c would also have the dimensions of length here. Okay, so if equation 4 represents the solution of equation 3, then this equation should satisfy equation 3. So I change the color here. Okay. So if we use equation, we can use equation 4 in equation 3. So we need the values of x dot and x double dot. So we can find if we can find the values of x dot as, so I can differentiate my equation number 4. So if I will differentiate equation 4 with respect to time, so I will get alpha c e to the power alpha t. Okay, I can label it as equation number 5, and I can also further differentiate this equation 5. So I will find x double dot. Okay, so I will get alpha squared c e to the power alpha t. Okay, I can label it as equation number 6. So I can use equation number 5 and equation number 6 in equation number 3. So put in equation 3. So I will get, so equation 3 would become m. Here it is mx double dot. So I will put the values of x double dot here. So m into alpha square c
e to the power alpha t plus s into x. S, x I know it is c e to the power alpha t. Okay. Plus r into x dot. X dot I know alpha c e to the power alpha t. R and then the value of the x dot, so it would be c e to the power alpha t. Okay, and that is equal to 0. Okay, so I can take c e to the power alpha t here common, so I will left with c e to the power alpha t that I have taken common here, so in the bracket m alpha square plus r into alpha plus s equals 0. So that I can label as equation number 7. Okay. So from this equation we can find that either c e to the power alpha t equals 0, which I know it's equal x. Okay. Either this term is equal to 0 or m alpha square plus r alpha plus s equals 0. Okay. So x equals 0, so that's only a trivial solution. Okay. And the second equation, it's the quadratic equation here. Okay. So I know that the solution of the quadratic equation is if we have a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c equals 0. ठीक है? तो quadratic equation का हम solution लिख सकते हैं x equals to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. इसी तरह से हम इस equation का भी ये भी एक quadratic form of equation है और इसका भी solution हम इसी तरह से लिख सकते हैं. So if I will write its solution, so it would be alpha would be equal to minus r by m plus minus r square by 4m square minus s by m, and this would be under square root. Okay. So I will label it as equation number 8. Okay, jaisa ki maine pehle kaha ki किसी भी इक्वेशन के तमाम साइड्स पे डायमेंशन सेम होती है और वहां पे तमाम टर्म्स की डायमेंशन सेम होती है. ठीक है, ऐसी टर्म्स जो ऐड हो रही हो अगर साइड टर्म्स इक्वेशन, वो उनकी डायमेंशन सेम होती है. ठीक है, अल्फा की हम जानते हैं डायमेंशंस 1 ओवर टाइम के हैं. ठीक है, पहले हमने डिसाइड किया. ठीक है, e टू द पावर अल्फा टी था तो इसकी यूनिट्स एक्सपोनेंशियल टर्म की यूनिट्स डायमेंशन है, उसी वक्त बनेगी ये टर्म जब अल्फा के डायमेंशन 1 ओवर टाइम के होंगे. ठीक है, इसी तरह से s by m, ये भी हम जानते हैं कि इसकी भी डायमेंशंस ओमेगा स्क्वायर के होते हैं और साथ स्क्वायर रूट भी है, इसकी डायमेंशंस भी इस टर्म के भी ओमेगा के होंगे, दैट्स आल्सो 1 ओवर टाइम. ओके, तो ये सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं, इन तमाम टर्म्स की डायमेंशन भी 1 ओवर टाइम होगी. r स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसकी डायमेंशंस भी 1 ओवर टाइम की होंगी और r बाय m टर्म की डायमेंशन भी 1 ओवर टाइम की होंगी. ठीक है, सो आई कैन से दैट अल्फा r बाय m एंड r बाय 2m एंड s बाय m ऑल हैव सेम डायमेंशन. सो हियर r बाय 2m
s by m square root and alpha all have same dimensions, of 1 over time or t power minus 1. Okay, so we can now express the displacement as follows. So displacement ko humne equation 4 ko humne likha tha ki displacement is x equals to c e to the power alpha t. So alpha ki value humne yahan pe find kar li hai, theek hai. Humne jab quadratic equation ko solve kiya to wahan se hamare paas alpha ki value aa gayi hai. To yahan se hum alpha ki two values dekh sakte hain, one with the plus sign and second will be with negative sign. ठीक है, तो एक को हम अल्फा 1 कह देंगे और एक को अल्फा 2 कह देंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी कैन राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन एज. सो फ्रॉम इक्वेशन 4 आई कैन राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन एज फॉलोस. ओके, सो माय सॉल्यूशन वुड बी, सो आई कैन राइट हियर द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू x1 वुड बी इक्वल टू c1 e to the power minus r t by 2n plus r square by 4 m square minus s by m. So as there is also a square root, so I will take the power 1 by 2 and then there is also a term of time. So I have used here the positive sign in alpha, and I can also use the negative sign here. So if I will use the negative sign, so I can write a second solution as x2. So here I will use the constant c2. Okay, and it will be e to the power minus r t by 2m. Instead of plus sign, I will write here negative sign, and it would be equal to r square by 4 m square minus s by m and in square root and multiplied with time t. Okay, so I can label these equations as equation number 9 and equation number 10. Okay, so for a complete solution I can sum equation number 9 and 10. Okay, so if I will add equation 9 and 10, so I will get x would be equal to x1 plus x2. Okay, so I will be left with the following equation. So x would be equal to, first I will write x1, so that is c1 e to the power minus rt by 2m plus r square by 4m square minus s by m power 1 by 2 into time plus c2 equation number 10 e minus rt by 2m minus r square by 4m square minus s by m power 1 by 2 into time, and I can label it as equation number 11. Okay, from here, from equation 11, I can write three solutions of this equation. Okay, so here the bracket could be, in bracket I have r square by 4m square minus s over m. That bracket can give us the answer, positive answer or negative answer, or it may be equal to 0. So from here I can write three solutions. So I will see only this bracket here. So if bracket, what is in the bracket, there is a term r square by 4 m square minus s by m.
that term is in bracket. So if this bracket is positive, okay, if this bracket is, so if this bracket will give a positive value, okay, so in this case, so if it is a positive value, it means that r square by 4n square is greater than s by n. So hum kab iska positive answer hume milega, jab the first term is greater than the second term. Okay, so first term mein aap dekhe ki hamare paas we have r here. Okay, this term, so this means that this term represents the damping forces. Okay, okay, so if this term is greater than this the value of stiffness divided by m, so it means that there is a heavy damping. So it's, this system would be known as heavy damp system. So this would be the condition of heavy damping. Okay, or that will result in dead beat system. ठीक है, यानी ये ऐसा केस होगा जिसमें डैम्पिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा है. ठीक है, और इस किस्म के सिस्टम में ओसिलेशंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अगर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूं, सो आई हैव टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस. सो for the dead beat system or for a heavily damped system, so I will find the graph for the displacement could be as follows. So it could be like this. Okay, so it will so the displacement will go up to the maximum value, and then it will take a very long time to reach to the equilibrium position. So I can say that it will take an infinite time to reach to the equilibrium position. So is kisam ke system mein oscillations bilkul bhi possible nahi hai. Theek hai, kyunki is kisam ke system mein resistive forces bahut zyada hongi. Theek hai, to ek dafa hum kisi bhi force ki wajah se system ko disturb kiya, it will go to the maximum value of the amplitude and then it will take a very long time to reach to the zero displacement value, and which is the mean position. So yahan pe koi bhi repeating motion nahi ho rahi is case mein, theek hai, ek crest ban raha hai aur crest bhi pura nahi ban raha hai. Theek hai, to is kisam ke system mein oscillations possible nahi hongi. Theek hai, second case discuss karte hain. If the bracket is zero, okay, second possibility क्या है कि इस bracket का answer हमारे पास zero भी आ सकता है. So if bracket is zero, which this means that r square by 4n square equals to s by m. इस केस में डैम्पिंग फोर्सेस आर इक्वल टू द एस बाय एम. ओके, सो डैम्पिंग फोर्सेस इस केस में पहले केस के लिए तो कम है. ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो बैकिंग का आंसर है वो जीरो आ रहा है. सो इस किस्म के सिस्टम को हम नाम देते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम. सो हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम. इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इट वुड बी लाइक दिस. ओके, ऑन एक्स एक्सिस आई हैव टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस एंड सिस्टम विल गो टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड देन विल रीच टू द मीन पोजीशन.
Okay, so system will come back to the mean position within no time. Okay, system, this make r squared by 4m squared equals s by m. Okay, so the damped forces and the distorting forces are equal here. So in this type of system, system will go to the maximum amplitude and then will come back to the mean position within no time. ठीक है, लेकिन इस किस्म के सिस्टम में भी ओसिलेशंस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, यहाँ पे मीन पोजीशन पे आके दिस सिस्टम विल स्टॉप. ओके, यहाँ पे आके रुक जाएगा. ठीक है, यहाँ पे रिपीटेड मोशन नहीं हो रही, सिर्फ एक क्रेस्ट ही बन रहा है. ठीक है, तो इस किस्म के सिस्टम में भी ओसिलेशन पॉसिबल नहीं है. सो आई कैन से दैट इट्स द क्रिटिकल डैम्पिंग. And it equals to r squared by 4m squared equals s by m. Okay. Then there is a third case. Okay. The third case is when bracket will give us a negative answer. So if bracket is negative. Okay, this means that r square by 4m square is less than the s by m. ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे damping forces मौजूद हैं, but its values is less than the s by m. So that would be the actual oscillatory damped simple harmonic motion. So in this case, we will get actual oscillations. So it would be oscillatory damped simple harmonic motion. ठीक है, इस केस में ये पॉसिबल होगा. ठीक है, हमारे पास ऑसिलेशंस पॉसिबल होंगी. इफ टी इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड आई टेक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस, इस केस में ऑसिलेशंस पॉसिबल होंगी, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, तो फर्स्ट टू केसेस में ऑसिलेशंस पॉसिबल नहीं होगी. ठीक है, हैवी डैम्पिंग में और क्रिटिकल डैम्पिंग में दोनों में ऑसिलेशंस पॉसिबल नहीं है. लेकिन थर्ड में वेयर ब्रैकेट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें ऑसिलेशंस मिलेंगी. ठीक है, और इस चैप्टर में फर्दर हम इसी थर्ड केस को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टू केसेस में तो हमें ऑसिलेशंस ही नहीं मिल रही. ठीक है, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. हम थर्ड केस को आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे, और इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड किस तरह का हो रहा है और इस किस्म के सिस्टम का बिहेवियर कैसे हो रहा है. इस चीज को हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे.